हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन APR 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यू आपको एक AP की दे दी है। विच टर्म ऑफ AP इज़ ज़ीरो, तो कौन सी टर्म AP की ज़ीरो होगी वो आपको फाइंड करना है। पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है कि जब भी विच टर्म आ जाए तो मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। हमारे पास फॉर्मूला है a+n-1 × d = an। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, पहले कंडीशन में थर्ड टर्म की बात की है तो यानी कि n की वैल्यू हो गई 3, -1, d भी नहीं पता और a 3 लिख देंगे। a+2d = थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, तो a+2d = 4, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद नाइन्थ टर्म दिया हुआ है तो a+9-1, तो 9-1 यानी कि 8 और a9 की वैल्यू है -8, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म बन गई। हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि a से a कैंसिल हो जाए और 8 में से 2 गया 6 माइनस का, 8+4 = 12, तो d की वैल्यू 12/-6 यानी कि माइनस का 2 आ गई। d की वैल्यू 1 या 2 किसी में से एक में पुट कर दें, सपोज़ मैंने 1 में पुट की तो a+2 d की जगह लिख देंगे -2 = 4, 2 × -2 − 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू 8 आ गई, तो फर्स्ट टर्म आ गई और d भी आ गया। अब फॉर्मूला दोबारा लगाएं, a की वैल्यू, d की वैल्यू और an जो ज़ीरो है वैल्यू वो हम लोग पुट कर देंगे, n मुझे पता ही करना है, तो -2 × n − 2n − +0, 8+2 = 10, −2n = 0, 10 आप शिफ्ट करोगे तो -10, n = −10/-2, तो कटिंग, तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया, तो मतलब इस AP की फिफ्थ टर्म की वैल्यू 0 होगी और यही हमने फाइंड करना था। थैंक यू।